बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर योर कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बहुत ही कुरकुरे और स्पाइसी किस्म के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत ही कुरकुरे होंगे ये पकोड़े इंशाल्लाह। ये आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन दबाना है और फिर मुझे कमेंट करके दिखाना है और फिर शेयर भी कर देना है। और फिर इसके अलावा नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा एक बात और है कि आपने मेरा वॉच टाइम पूरा करने में मेरी मदद करनी है। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। प्लीज़ एंड तक देखा करें वीडियो को, लाइक ज़रूर किया करें। तो कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए जो है हमें चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आपने नोट करना है लेकिन उसके तरीक़ाकार भी नोट करना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए इस तरह के पकोड़े जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी आलूओं के बारे में। ये आलू हैं, यहाँ अगर आप इस वक्त इनको हाथ लगाएं ना तो ये बहुत ही कुरकुरे लग रहे हैं, बिल्कुल नरम आलू नहीं लग रहे ये, ठीक है ना। वो ये इस तरह हुए कि मैंने इनको छिलकों समेत, आलू पहले मैंने धो लिए थे फिर मैंने छिलकों समेत इनको अच्छे से लंबाई की सूरत में कश किया और उसको पानी में ही मैंने कश किया। पानी में ही कद्दूकस रख के मैंने इसको कश किया, उसके बाद मैंने इसको 3-4 पानियों में धोया, जो इसका स्टार्च होता है वो निकल गया। उसके बाद मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से लच्छेदार किस्म के बन गया। पकौड़े भी हमारे लच्छेदार बनेंगे कुरकुरे से, करारे से। तो यहाँ पर 1/2 किलो आलू मैंने छिलकों समेत इसको कश करके 3-4 पानियों में धो लिया, पानी अच्छे से ड्रेन कर दिया। और यहाँ पर मेरे पास है 1/2 किलो प्याज, जिसको मैंने इस तरह लंबाई में इसको भी मैंने काट लिया है बारीक थोड़ा। और हरी मिर्ची हैं 4 से 5, ये आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। और यहाँ पर मेरे पास है बेसन, 2 कप मैंने बेसन लिया है और 1 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। ये कुरकुरा बनाने में इसको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आप यहाँ कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर के साथ ही, कॉर्नफ्लोर को आपने स्किप नहीं करना, आपने थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी कुरकुरापन आ जाता है। और यहाँ पर है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और मैंने डाल दिया। तकरीबन 1 टेबलस्पून है। धनिया है मेरे पास मोटा कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच। दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच। नमक हसबे जायका मैंने लिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच से ज़्यादा है, मैं बाद में चेक करके डाल दूँगी। हल्दी कलर के लिए मैंने ली, अफेक्टिव भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चाय के चम्मच लिया है, 1 चाय के चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और ये यहाँ पर है मेरे पास गरम मसाला पाउडर, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। धनिया, ये ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, ये 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम है। अजवाइन है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर कसूरी मेथी है मेरे पास तकरीबन 1 चाय का चम्मच। तमाम इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। नमक इसमें मैं चेक कर लूँगी, अगर आपको इसमें ज़्यादा स्पाइसी करना है तो नमक मिर्ची आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें प्याज और हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर हम आलू भी शामिल कर सकते हैं, कर देते हैं, आलू भी शामिल किए। और अभी हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। अच्छा जी, देखिए मैंने इस तरह पहले इसको खुश्क ही मिक्स किया है, ठीक है ना। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और हरा धनिया मैंने अभी इसमें मिलाना, लेकिन वो बाद में मिलाऊंगी ताकि वो फ्रेश फ्रेश रहे। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे इसको। और नमक मिर्च हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। और कुरकुरे होने के लिए, पकौड़ों के कुरकुरे होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसमें बेसन की मिकदार जो है वो ज़्यादा ना हो। जितना ज़्यादा बेसन होता है पकौड़ों का कुरकुरापन उतना ही कम हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि प्याज और बाकी मसाला जो हैं, आलू वगैरह जो हैं या सब्ज़ियाँ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा हों और बेसन वगैरह की मिकदार कम हो, तो पकौड़े कुरकुरे होते हैं। तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना, कुरकुरे होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इसको लिक्विड नहीं करेंगे ज़्यादा। तो इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मिक्स भी कर लिया और यहाँ पर मैंने डाल भी दिया फ्राई होने के लिए। अचानक बहुत तेज़ बिजली कड़की थी और फिर बिजली चली गई, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बाकी की बना सकी, तो इसके लिए माजरत है। बहुत ही ज़ोर और शोर से बिजली चमकी थी और एक इतनी कड़क थी उसकी कि मेरा दिल तो डर गया और बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी और लाइट चली गई थी एकदम। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद लाइट आई है। और हरा धनिया स्किप हो गया क्योंकि वो मैंने लेने भेजा हुआ था तैयब को हरा धनिया, तो वो हरा धनिया नहीं मिला, बारिश की वजह से दुकानें बंद हैं, तो इसके लिए माजरत है। और आप खुद हरा धनिया इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो तल रहे जा रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, और मीडियम फ्लेम पे आपने पकोड़ों को फ्राई करना है।
आपको बारिश की आवाज़ और बादल गरजने की आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत ही ज़ोर शोर से बादल गरज रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो सैम के बैठे हुए हैं किचन में मेरे पास। पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं मज़ीद पकौड़े जो हैं वो शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और बादल गरजने की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत ही आज तो बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। दरमियाने साइज़ के पकौड़े डालेंगे हम। हाथ से डालने से ज़रा अच्छे डलते हैं पकौड़े। और एक साइड पे जो है ना वो मैंने चाय भी रखी हुई है जी। तैयार हैं हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े, गर्मा गर्म हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं। और नए आने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। और क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही है, कड़क रहे हैं ये, और बादल बहुत गरज रहे हैं। लाइट भी चली गई थी पकौड़ों को बनाते हुए, तो आज मौसम है पकौड़ों का, तो जल्दी से ये वाले पकौड़े बना लें। और चाय भी है साथ में। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।